गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। मैं संजू शर्मा आज आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ, लक्ष्य व उद्देश्य में अंतर। लक्ष्य और उद्देश्य में अंतर स्पष्ट करने के लिए मैंने पहले जो वीडियो में आपको लक्ष्य के अर्थ व परिभाषा के बारे में बताया, फिर उद्देश्य के अर्थ परिभाषा के बारे में बताया, उन्हीं से संबंधित मैंने आगे ये सोचा कि इन दोनों में जो अंतर है उसे भी हमें जानना चाहिए कि इन दोनों में अंतर क्या होता है, क्योंकि कई बार हम जब इनके अंतर को स्पष्ट करते हैं तो हम पूर्ण रूप से इनके अंतर को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि लक्ष्य और उद्देश्य यानी कि हमारा एम और हमारा ऑब्जेक्टिव में क्या अंतर होते हैं, इन अंतर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम बच्चों हम देखेंगे लक्ष्य में क्या अंतर होता है, लक्ष्य क्या होता है। तो लक्ष्य के लिए हम कहते हैं लक्ष्य हमारी शिक्षा को निर्धारित दिशा प्रदान करता है। शिक्षा को निर्धारित दिशा प्रदान करता है, अर्थात अगर हमें ये शिक्षा दिशा न दे तो हम इसके लिए हम आगे नहीं बढ़ सकते। यानी कि शिक्षा के अभाव में जो हम हमारी वांछित दिशा में हमें प्रगति करना चाहते हैं वो प्रगति हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें जब उस चीज के बारे में शिक्षा हमें मिली नहीं होगी, हमारे लिए शिक्षा निर्धारित नहीं होगी, तो हम उसे कैसे आगे बढ़ सकते हैं, अर्थात हमारे उस कार्य में हमारी प्रगति नहीं हो पाएगी। इसीलिए ये शिक्षा को एक दिशा निर्देशित करते हैं कि हमें किस दिशा में कार्य करना है, उस दिशा के बारे में हमें ज्ञान प्रदान करते हैं कि इसी के माध्यम से हम आगे की प्रगति कर पाते हैं, क्योंकि आगे प्रगति हम किसके माध्यम से करते हैं, शिक्षा के माध्यम से। तो ये लक्ष्य ऐसे होते हैं जो हमें हमारी दिशा प्रदान करते हैं कि हमें आगे किस तरीके से बढ़ना है। अब उद्देश्य के लिए हम कहें तो उद्देश्य हमारा वो बिंदु होता है जो निर्धारित दिशा में हमारी क्या करता है, संभव उपलब्धि को व्यक्त करता है। हमारी जो निर्धारित दिशा है, निर्धारित दिशा में संभव उपलब्धि प्रदान करता है। यानी कि हमें दिशा तो इसने दिखाई, लेकिन इसके लिए हमें कौन कौन सी उपलब्धि, जिसे हम कहें कि हमें किस तरीके से उसे पूरा करना है, वो हमारी उपलब्धि को कौन व्यक्त करता है, उद्देश्य। कि किस तरीके से, जिसे हम कहें ना एक साध्य तो दूसरा साधन, ये हमें हमारी इस चीज को बताते हैं। उपलब्धि क्या होगी हमारी, वो उपलब्धि होगी हमारे साधन कि जिस दिशा में हम जा रहे हैं आखिर उसके लिए हमें चाहिए क्या, क्योंकि एक ट्रैक हमें दिखा दिया इसने कि हमें सीधे चलना है, लेकिन सीधे चलने के लिए उस सीधा चलने के लिए हमें किसके माध्यम से जाना है, वो हमें हमारे उद्देश्य निर्धारित करते हैं। या हम कहें उस ट्रैक के लिए हमें उस स्थान पर पहुंचने के लिए हम जो प्रक्रियाएं करते हैं, जिसे निर्धारित करते हैं, वो हम उद्देश्य के माध्यम से करते हैं। तो पहला हो गया हमारा कि शिक्षा निर्धारित दिशा प्रदान करता है, कौन, लक्ष्य, इसकी दिशा तो हम कहें तो आगे इसके लिए हमारी शिक्षा में हमारी शिक्षा प्रगति नहीं कर सकेगी। और उद्देश्य के लिए हमने कहा है कि निर्धारित जो दिशा में हम जो शिक्षा लेते हैं, निर्धारित दिशा में संभव उपलब्धि हमें प्रदान करवाता है, कौन करवाते हैं, उद्देश्य के माध्यम से हम पूरा करते हैं। फिर आता है हमारा कि जो हमारे लक्ष्य होते हैं, लक्ष्य की प्राप्ति विद्यालय कार्यक्रम के क्षेत्र से बाहर का होता है, यानी कि ये हमारे विद्यालय से बाहर का लक्ष्य होता है। ये हमारे जिसके लिए हमने उद्देश्य में मैंने पहले परिभाषा में भी बताया था कि उद्देश्य क्या करते हैं, हमारे किसमें सहायक होते हैं, हमारे पाठ्यक्रम के द्वारा हमारे दिशा निर्देश करते हुए हम इसकी प्राप्ति करते हैं। लेकिन ये जो हमारे लक्ष्य होते हैं इसके लिए कहते हैं ये हमारे विद्यालय कार्यक्रम से या विद्यालय कार्यक्रम के क्षेत्र से बाहर होते हैं, और दूसरे शब्दों में हम कहें तो हम लक्ष्यों की जो
संभव नहीं हो पाता। इनकी प्राप्ति, लक्ष्य की प्राप्ति, लक्ष्य की प्राप्ति विद्यालयी कार्यक्रम से यानी कि उसको उसकी प्राप्ति नहीं होती है विद्यालय कार्यक्रम से। लक्ष्य की प्राप्ति विद्यालय कार्यक्रम से संभव नहीं होती, कार्यक्रम से संभव नहीं हो पाती। और इसका क्या होता है, हमारे विद्यालय कार्यक्रम से हमें इसकी प्राप्ति होती है, इसकी प्राप्ति होती है किससे, विद्यालय कार्यक्रम से। उद्देश्य की तो प्राप्ति हम विद्यालय कार्यक्रम से होती है और लक्ष्य की प्राप्ति हम विद्यालय कार्यक्रम से नहीं करती। इसका क्षेत्र हमारे विद्यालय कार्यक्रम से बाहर का होता है। थर्ड होता है हमारा इसका कि जो हमारे शैक्षिक लक्ष्य की प्राप्ति निश्चित नहीं होती। मैंने पहले भी बताया था कि लक्ष्य को हम प्राप्त करें ऐसा जरूरी नहीं होता। तो इसमें है कि शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं होती। ये हमारी तीसरा इसमें अंतर है कि प्राप्ति निश्चित नहीं है, सॉरी इसमें आएगा प्राप्ति निश्चित नहीं है, यानी कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इसकी प्राप्ति निश्चित नहीं होती, यानी कि हमें इसकी प्राप्ति हो भी सकती है और नहीं हो सकती। अब उद्देश्य में हम देखते हैं कि उद्देश्य में क्या आता है। उद्देश्य लक्ष्यों से विकसित होकर या उत्पन्न होकर प्रत्येक उद्देश्य की प्राप्ति लक्ष्य की प्राप्ति का एक चरण होता है। इसमें हम देखेंगे कि प्रत्येक उद्देश्य की प्राप्ति जो ये करते हैं ना, मैंने कहा था कि ये प्रत्येक चरण के माध्यम से हम उस लक्ष्य तक पहुंचते हैं। तो इसमें कहते हैं प्रत्येक उद्देश्य की प्राप्ति का शैक्षिक क्या वो इस तरीके से अपने शैक्षिक लक्ष्य की प्राप्ति का एक चरण होता है, एक चरण। यानी मैंने कहा था कि जब हम इसमें अपने लक्ष्य को लेकर चलते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम प्रत्येक चरण को एक एक जो उद्देश्य हमारे होते हैं वो एक चरण के माध्यम से हम पूरा करते हुए चले जाते हैं। तो उसमें कहते हैं प्राप्ति का एक चरण होता है, यानी कि हमने अगर हमें जो लक्ष्य ले रहे हैं उसके लिए अगर हमारा एक स्टेप पूरा होता है तो हम ये देखते हैं उद्देश्य के माध्यम से कि हमने लक्ष्य की ओर एक कदम आगे बढ़ाया। उस जिस मंजिल पर हमें पहुंचना है हम उस मंजिल के एक कदम हम पास आते हैं। तो ये इसमें बताते हैं कि एक चरण हमारा इसमें पूरा होता है कि किस तरीके से हम इसे पूरा कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं इसका जो हमारा फोर्थ हमारा अंतर है वो है कि लक्ष्य हमारे कैसे होते हैं, व्यापक होते हैं। लक्ष्य कैसे होते हैं, व्यापक होते हैं। और उद्देश्य क्या होते हैं, हमारे उद्देश्य हमारे अंत्य वस्तु के चयन में हमारी सहायता प्रदान करते हैं। जो हमारी दिशा होती है अंत्य वस्तु यानी कि जो हम हमारी उसको जो लक्ष्य की हम प्राप्ति कर रहे हैं उसके अंतर्गत हमें किन किन विषयों की आवश्यकता है या हमें किन किन चीजों की, वो हमारी आंतरिक चीज होती है, आंतरिक वस्तु होती है। अंत्य वस्तु के चयन में सहायक होती है। या हम इसे कह दें कि जहां लक्ष्य हमारा
व्यापक होता है, लेकिन हमारे इसमें हम कहते हैं कि यहाँ ये हमारा कैसा होता है, ये व्यापक ना होकर हमारा ये व्यापक और विस्तृत होता है लक्ष्य का क्षेत्र, और ये हमारा सीमित होता है, जिससे हम देखते हैं क्योंकि हम इसे प्रत्येक चरण के माध्यम से पूरा करते हैं उद्देश्य को। उद्देश्य की प्राप्ति जो हम कर रहे हैं उसकी अंतर वस्तु के माध्यम से वो हम कर रहे हैं, हम प्रत्येक चरण के माध्यम से। तो एक चरण हमारा जब पूरा होता है तो हमारी एक उद्देश्य की पूर्ति होती है, इसीलिए कहते हैं कि प्रत्येक उद्देश्य की हम प्राप्ति करते हुए चले जाते हैं। तो जो हमारा उद्देश्य का क्षेत्र होता है वो छोटा होता है और लक्ष्य हमारा कैसा होता है, बड़ा होता है। हम आगे देखें इसमें कि लक्ष्य जो होता है वो कक्षा कक्ष की शिक्षण रणनीतियों के निर्धारण में हमारे सहायक नहीं होती है, यानी कि कक्षा कक्ष की निर्धारण जो हम उसके लिए निर्धारित करते हैं, निर्धारण रणनीतियों में सहायक वो हमारे उसमें सहायक नहीं होती, लेकिन जो हमारा जो ये कहते हैं कि हमारा जो उद्देश्य होता है उस उद्देश्य में हम कक्षा कक्षी जो शिक्षण की जो नीतियां होती है निर्धारित करने में वो सहायक होते हैं। ये कक्षा कक्ष की निर्धारण रणनीतियों में सहायक होते हैं। उद्देश्य हमारे उस रणनीति में सहायक होते हैं और लक्ष्य हमारे उसमें सहायक नहीं होते हैं। ये हमारे इन दोनों में अंतर है। लास्ट हम ये कहें कि लक्ष्य हमारा एक सामान्य कथन होता है, लेकिन उद्देश्य हमारा एक विशिष्ट कथन होता है। सामान्य कथन और उद्देश्य कैसे होते हैं, हमारे विशिष्ट कथन के रूप में होते हैं, जिसे हम कहें कि विशिष्ट, यहाँ हम हमारी शारीरिक क्षमता के अनुसार हम उसकी प्राप्ति करते हैं लक्ष्य की, यहाँ हम किस तरीके से हमें कार्य करना है वो विशिष्टता देखते हैं। यानी कि यहाँ हम सामान्य कथन में कहते थे कि हमें उस मंजिल तक पहुँचना है, लेकिन उस मंजिल के प्रति जो हम कार्य करते हैं, जो विशिष्ट चीज उसमें देखते हैं लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए, वो हम उद्देश्यों के माध्यम से उन्हें पूरा करते हैं। यानी कि ये हमारे लिए विशिष्ट होते हैं क्योंकि इन्हीं के माध्यम से हम लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। तो ये हमारे आज के इसमें अंतर था कि लक्ष्य और उद्देश्य में क्या क्या अंतर पाया जाता है, ये मैंने आपको 5 बताए। सर्वप्रथम था हमारा शिक्षा निर्धारित दिशा प्रदान करता है, यानी कि हमें आगे जो शिक्षा में विकास होता है, प्रगति जब हम करते हैं वो प्रगति हमारी रुक जाती है अगर ये हमारी सहायक ना हो, यानी कि दिशा निर्धारित करने में ये दिशा निर्धारित करते हैं शिक्षा की। और इसमें हम शिक्षा जब निर्धारित की है तो उसके लिए हमें किन उपलब्धियों की आवश्यकता होती है, इसे हम एक तरीके से ये भी इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये हमारा साध्य है और ये हमारा साधन जिसके माध्यम से हम इसे पूरा करते हैं। ये हमारा साध्य हो गया, ये हमारा साधन जिसके द्वारा हम उसकी प्राप्ति करते हैं, यानी कि ये हमें उपलब्धि प्रदान करता है। सेकंड था लक्ष्य की प्राप्ति विद्यालय कार्यक्रम से संभव नहीं हो पाती, ये विद्यालय से जुड़ी हुई क्रियाओं से इसका संबंध नहीं होता, विद्यालय के क्षेत्र से ये बाहर होते हैं, लेकिन उद्देश्य की प्राप्ति हम विद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत रहते हुए शिक्षक के दिशा निर्देशन में हम इन कार्यों को पूरा करते हैं। फिर थर्ड हमारा शैक्षिक लक्ष्य की प्राप्ति निश्चित नहीं होती, यानी कि लक्ष्य हम पूरा भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, इसीलिए अगर हम शिक्षा में देखें तो कहते हैं कि जरूरी नहीं कि हमें उन शैक्षिक लक्ष्यों की हमें प्राप्ति हो, और यहाँ हम कह सकते हैं कि हमारे जो उद्देश्य की प्राप्ति है वो एक एक चरण के आधार पर हम प्रत्येक उद्देश्य
लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ते हैं। फिर है हमारा इसका कि लक्ष्य व्यापक होता है और कैसा ये हमारे उद्देश्य कैसे होते हैं, सीमित होता है, यानी कि उसके अंतिम वस्तु के चयन में ये सहायक होते हैं और उन्हीं के माध्यम से हम प्रत्येक स्टेप हमारा पूरा करते हैं। पांचवा था कक्षा का निर्धारण रणनीतियों में ये सहायक नहीं होते हैं लक्ष्य, लेकिन जो उद्देश्य होते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव्स वो हमारे कक्षा कक्ष निर्धारण रणनीतियों में सहायक होते हैं। लास्ट में हमारा कि लक्ष्य होता है वो एक हमारा सामान्य कथन होता है, लेकिन जो हमारे उद्देश्य होते हैं वो हमारे एक विशिष्ट कथन होते हैं कि किस तरीके से हमें उसे प्राप्ति करनी है। तो ये हमारा लक्ष्य और उद्देश्य में अंतर था। नेक्स्ट वीडियो में हमारी जो शिक्षण विषय है नागरिक शास्त्र, उसमें हमारे लक्ष्यों की क्या भूमिका है, उद्देश्य की क्या भूमिका है, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।